दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारी मीडिया टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ ये आश्रम का फ्लेक्स भी लगा हुआ है और यहाँ पर एंट्री गेट बना हुआ है। तो आइए हम चलते हैं इस सतलोक आश्रम में और यहाँ का जायजा लेते हैं और यहाँ की सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। तो दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जून का महीना है और 47 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि दे रखा है साइंटिस्टों ने। उस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए फॉग फुहारे की व्यवस्था की गई है। इसी हिसाब से आगे चलकर देखते हैं आगे की व्यवस्था क्या है यहाँ की। तो दर्शकों जैसी हमारी टीम पहुँची है सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य दरवाजे पर, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये इस आश्रम का मुख्य दरवाज़ा है। अंदर एंट्री जो होती है वो यहाँ से होती है और यहाँ की सजावट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जून के महीने में गर्मी का विशेष ध्यान रखा गया है और यहाँ पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए फॉग फुहारे की व्यवस्था पूरे आश्रम पर की गई है और गर्मी को नज़र में रखते हुए यहाँ पर कारपेट की व्यवस्था की गई है, हर जगह जलराम की व्यवस्था की गई है। इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पानी की व्यवस्था हर जगह पर की गई है। यहाँ मुख्य दरवाजे पर पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे एक भाई साहब हैं जो यहाँ ये चेकिंग की सेवा दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं ये किस प्रकार की क्या चेकिंग कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहेब जी। जी आप बताइए हमें ये किस चीज़ की आप चेकिंग कर रहे हो। सर आप सतलोक आश्रम में पधार रहे हैं और यहाँ जो भी आगंतुक आता चाहे भगत हो चाहे जगत हो तो उसकी हम जाँच करके ही प्रवेश दिया जाता है अंदर। और ये जांच नशीली वस्तुओं के लिए, क्योंकि आज सतलोक आश्रम में नशीली वस्तुओं का प्रवेश निषेध है। उसके अलावा कोई धारदार हथियार हो, कोई नुकीली वस्तुएं हो, उसके लिए प्रवेश निषेध है, तो उसकी यहाँ जांच की जाती है। धन्यवाद जानकारी देने सत साहिब। देखो सर आप हमें ये जूताघर की व्यवस्थाओं के बारे में समझाइए। जी जूताघर, यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूतों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो निसंकोच पूरे पंडाल में आराम से घूम सकता है, वो भंडारा ले सकता है। उसे जूतों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि उसके जूते कहीं खो जाएंगे। ये सेवा को लेकर यहाँ जूताघर की सेवा रखी गई है जिसमें सेवादार सेवा लगा रहे हैं। इसका क्या चार्ज लेते हो? ये सद्गुरुदेव जी के आदेशानुसार बिल्कुल फ्री है, ये निःशुल्क है। कितने व्यक्तियों का स्टॉक एक साथ में आप कर सकते हो? यहाँ इस जूताघर में लगभग 5000 बैग बने हुए हैं जिनमें हम 20000 जूतों की जोड़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा ही जूताघर बाईं तरफ भी बना हुआ है, उसमें की भी क्वांटिटी लगभग इतनी ही है। आप हमें बताइए जो 3 दिन का समागम है इसमें टोटल कितने स्टॉक हो जाता है? देखो लगभग एक दिन का अगर एवरेज लेके चलते हैं तो हमारे पास 30 से 40 हज़ार जूतों की जोड़ियों को सुरक्षित रखने का हमारे पास व्यवस्था है। और लगभग 3 दिन का जो समागम चल रहा है इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार जो श्रद्धालु हैं यहाँ डेली आने वाले हैं जिनकी तैयारियाँ हमारे पास पूर्ण की हुई है, क्योंकि हमने 15 से 20 हज़ार जूतों की जोड़ियों को रखने की व्यवस्थाएँ कर रखी है यहाँ। धन्यवाद जानकारी। तो दर्शकों आज हम सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान की हमने विजिट की है और यहाँ पर हमने मुख्य दरवाजे तक यहाँ पर जानकारी ली है और इससे आगे की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि यहाँ ये जून का महीना है, जून के महीने की गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आम जनता श्रद्धालुओं के लिए वाटर फॉग की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो उनके लिए। और ये धार्मिक स्थलों पर मैंने पहली बार इस आश्रम पर देखा है कि जून के महीने की गर्मी का विशेष ध्यान रखते हुए वाटर फॉग लगाना, और वो भी निःशुल्क, सारी सुविधाएँ आश्रम की तरफ से निःशुल्क दी जा रही है, ऐसी हमें ये जानकारी मिली है। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आज हमारी मीडिया टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। हम यहाँ आश्रम के अंदर जैसे ही हम आए हैं, हमने प्रवेश किया है तो यहाँ पर हमारे एक श्रद्धालु मिले हैं और जो ऊपर ये जो ये बारिश हो रही है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप हमें बताइए सर ये जो बारिश हो रही है इसका क्या रहस्य? बारिश हो रही है इसका रहस्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणियाँ हैं तो उसमें बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे एक तो शास्त्र अनुसार साधना बताएंगे, शास्त्र अनुसार जो है भक्ति विधि बताते हैं और ज्ञान समझाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भविष्यवाणी में ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जो संत आएगा, जो संत सायरन होगा, वो वैज्ञानिक तरीके से लोगों को समझाएगा। ठीक है, ये जो फुहारे हैं, फुहारे जैसे सतलोक के अंदर जो भक्ति करके सतलोक में जाते हैं तो वहाँ पर ठीक इसी प्रकार से फुहारे सदा चलते रहते हैं
और वहाँ पे किसी प्रकार का न सर्दी है न गर्मी है। सतलोक का मिनी सतलोक यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जैसे सतलोक में जो भी सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हो जो भी भक्त भाई बहन जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, सब अपने अपने भंडारा ले रहे हैं, हंसी खुशी से रह रहे हैं, किसी का किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, हैं। और यहाँ पे सेवाएँ कर रहे हैं तो सेवादार भी अपने अपने हंसी खुशी से कर रहे हैं, कोई राग द्वेष नहीं है, निश्चिंत होकर सब सेवा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम सतलोक के अंदर ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे वही सतलोक की जो नकल यहाँ पे दिखाई जा रही है, और वैसे भी आप जानते हो जून के अंदर कितनी गर्मी होती है, तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्मी न लगे उनको और ऐसा लगे कि वास्तव में हम कहीं ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर जो है इतनी मतलब ठंड, इस गर्मी में ठंड महसूस हो रही है, उन्हें यहाँ पर बहुत खुशी, अपार खुशियाँ मिल रही हैं। और फिर परमात्मा की एक वाणी भी है, मेरे पास एक पुस्तक है, इस पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि नदी नाव नाले बगे छूटे फुहारे सुन, भरे होद सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य। तो ये बताया है जब जो इस किताब में लिखा है ठीक उसी तरीका से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं ये वही चीज़ें हैं। यहाँ पे तो जैसे आर्टिफिशियल जो तैयारियाँ की गई हैं, लेकिन सतलोक के अंदर वहाँ स्वयं ठीक इसी तरीके से वहाँ ऐसे ही चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और अमर लोक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कभी सर्दी और गर्मी है, बुढ़ापा और जवानी, वहाँ सदा जवान शरीर है और वहाँ पे सुख ही सुख है और अथा सुख है। चालू है क्या? तो जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया है, ये जो रिहर्सल जो कराया जा रहा है सतलोक से पहले का जो रिहर्सल है, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ सतलोक में सदाबहार रहती है, जो यहाँ अस्थाई ये कुछ जो यहाँ ये अस्थाई व्यवस्थाएं यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजतपाली राजस्थान में करके बताई जा रही है। ऐसी सभी आश्रमों में ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, जितने भी 10-11 आश्रम हैं, 11 आश्रमों में ठीक इसी तरीके से ही व्यवस्था है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। जो जिस आश्रम में सेवा होती है तो सेम होती है जितने भी आश्रम में, तो उन सबों में सभी आश्रमों में इसी तरीके से आप जाओगे देखने को ऐसा का ऐसा ही माहौल मिलेगा। ठीक, धन्यवाद जानकारी। सत साहिब जी।